हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो है क्लास 9th एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो क्वेश्चन में कहा है कि ये जो पॉलिनोमियल्स आपको गिवन है इनकी डिग्री लिखिए। तो डिग्री क्या होती है? किसी पॉलिनोमियल की हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या कहलाती है? उसकी डिग्री कहलाती है। तो अगर हम यहाँ पर पॉलिनोमियल देखें तो यहाँ वेरिएबल क्या है? एक्स है। एक्स में से भी सबसे बड़ी पावर क्या है? 3 है यहाँ पर। तो एक्सपोनेंट अगर सबसे बड़ा जो भी होगा, हाईएस्ट पावर, वही उसकी डिग्री होगी। तो यहाँ पर डिग्री, ठीक है, ऑफ पॉलिनोमियल वो होती है हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गई? हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसकी डिग्री हो गई 3। ठीक है, अब इसकी बात करें तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर क्या है? वाई यहाँ पर वेरिएबल है, उसकी पावर 2 है, तो डिग्री हो गई 2। फिर तीसरा, यहाँ पर वेरिएबल क्या है? टी। टी के पास पावर क्या है? कुछ नहीं है, तो 1 है, तो डिग्री क्या आ गई? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ये आ गया 1। इसमें देखें, यहाँ पर तो कोई वेरिएबल दिख ही नहीं रहा है, तो ऐसी कंडीशन में डिग्री क्या होगी? डिग्री होगी 0। ठीक है, वो क्यों होगी? क्योंकि अगर कोई वेरिएबल नहीं है तो इसके साथ x वेरिएबल जरूर होगा और उसकी पावर होती है 0। तो इस कंडीशन में, क्योंकि x की पावर 0, किसी की पावर 0 होती है तो वो तो 1 ही होता है। तो यहाँ पर अगर 1 लिख दें तो 3 से मल्टीप्लाई करके वही हो जाएगा 3। तो मतलब हमारे पास जो वेरिएबल अगर नहीं दिख रहा है, तो वेरिएबल तो है, उसके साथ पावर 0 है। तो अब यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? 0। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।